सेकंड क्लास में देखिए टैली ओपन करने के लिए अगर आप लोगों को डेस्कटॉप पे टैली मिल जाती है तो आप यहीं से ओपन कर लेते हैं यार टैली नहीं। अगर आपको डेस्कटॉप पे मिल जाती है तो आप यहीं से ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे नहीं मिलती फिर आप यहाँ से विंडो बटन क्लिक करते हैं और सर्च बार में आप यहाँ पे टैली सर्च कर लेते हैं। आप यहाँ पे सर्च करें देखिए यहाँ पे आ रहा है टैली नाइन, आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस टाइप से अपनी टैली यहाँ पे ओपन हो जाती है। टैली में अंदर जाने के लिए आप इसमें एस्केप की का यूज करते हैं, एस्केप की प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इसमें एक बार एस्केप की प्रेस करते हैं आपके सामने यहाँ पे वो कंपनी ओपन हो जाती है जो पहले से टैली में बनी हुई रहती है, जो आपने पहले कभी बनाई है। जब आप टैली में फर्स्ट टाइम वर्क करते हैं, मतलब जैसे आपने टैली को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है और फर्स्ट टाइम ही आप उसे ओपन कर रहे हैं, तब आपके सामने कोई कंपनी नहीं आई क्योंकि उस टाइम पे आपने कोई सी कंपनी इसमें क्रिएट नहीं की है। लेकिन जब एक बार अपन ने इसमें कंपनी बना ली उसके बाद आप जब भी इस टैली को ओपन करेंगे आप एस्केप की प्रेस करेंगे आपके सामने यहाँ पे एक कंपनी ओपन हो जाएगी जो पहले से टैली में बनी हुई है। अब वो कंपनी कोई सी भी हो सकती है। अब आपको इस कंपनी से बाहर जाना, तो पता कैसे चलेगा कि आप कंपनी के अंदर हैं? देखिए यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी आ रहा है, कंपनी का नाम लिखा हुआ आ रहा है और अभी यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है गेटवे ऑफ टेली, ये ऑप्शन आपको मिलता है कंपनी के अंदर। अभी अपन को कंपनी से बाहर जाना है। तब आप प्रेस करेंगे अल्टा प्लस F1, कीबोर्ड से अल्टा साथ F1, आप कंपनी से बाहर आ जाएंगे। कंपनी से बाहर क्यों है क्योंकि अपन को अपनी कंपनी क्रिएट करना है। तब आप प्रेस करते हैं अल्टा प्लस F1। देखिए अब क्या ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे देखिए नेम ऑफ कंपनी में कोई भी नाम आपको देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि अभी अपन कंपनी के बाहर है। अब इसमें अभी आपको कंपनी क्रिएट करना है तो आप जाते हैं क्रिएट कंपनी पे, शॉर्टकट की होती है C। अगर आपकी कंपनी पहले से बनी हुई है तब आप कंपनी सिलेक्ट करते हैं, तब आप यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट होता है वो उसकी शॉर्टकट की होती है। आप C प्रेस करेंगे तो देखिए आप क्रिएट कंपनी पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपको तो बताता है यहाँ पे डायरेक्टरी, आपका टैली का डेटा कहाँ पे सेव हो रहा है। देखिए आपको तो बता रहा है आपका टैली का डेटा सी ड्राइव में टैली नाम का फोल्डर है, टैली नाम के फोल्डर के अंदर डेटा नाम का फोल्डर है जहाँ आपका टैली का डेटा सेव हो रहा है। फिर आप एंटर करेंगे, यहाँ पे आप डालते हैं नाम, जैसे अपन स्कूल की कंपनी बना लेते तो आपने यहाँ पे डाल दिया ये गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल, जिस नाम से आपका स्कूल है आप वो नाम यहाँ पे डाल देंगे। एंटर करेंगे फिर आप डालते हैं मेलिंग नेम, मेलिंग नेम में सेम नाम भी आ सकता है, मेलिंग नेम में आप वो नाम डालते हैं आप अपने स्कूल के स्टूडेंट के स्लिप वगैरह देते हैं फीस स्लिप, उस पर जो नाम आपको प्रिंट करना है वो नाम आप मेलिंग नेम में डालते हैं। आपने देखा नॉर्मल अपन बोलते हैं एक्सीलेंस स्कूल, लेकिन एक्सीलेंस स्कूल का पूरा नाम क्या है गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल, यही है। तो आप यहाँ पे पूरा नाम टाइप कर सकते हैं और सेम नाम भी रह सकता है, जो कंपनी का नाम है वही मेलिंग नाम भी हो सकता है। और अगर आप बिल पे पूरा नाम प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरा नाम डाल सकते हैं। एंटर करेंगे फिर आप डालेंगे स्कूल में वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे आप स्कूल का पूरा एड्रेस टाइप करेंगे। एंटर करेंगे फिर अगर आप एड्रेस से नीचे मोबाइल नंबर प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे, क्लियर। फिर आप एंटर करते हैं फिर एंटर करेंगे, फिर आपसे पूछा है आप कौन सी कंट्री में वर्क कर रहे हैं, अपन इंडिया में वर्क कर रहे हैं तो आप कंट्री क्या सिलेक्ट करेंगे इंडिया। एंटर करेंगे इंडिया में आप कौन से स्टेट में वर्क कर रहे हैं, इंडिया में अपन एमपी में वर्क कर रहे हैं तो आप प्रेस करेंगे एम और आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे एमपी, ठीक। इंडिया में अपन एमपी में वर्क कर रहे हैं तो आप स्टेट क्या सिलेक्ट करेंगे एमपी। फिर आपको डालना है यहाँ पे पिन कोड, पिन कोड आप डालते हैं डिस्ट्रिक्ट, आपने जो एड्रेस डाला हुआ है एड्रेस अपन ने डाला भी दिया था, सब डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड अलग अलग रहता है तो आप एड्रेस के हिसाब से यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे। एड्रेस आपका क्या है डिस्ट्रिक्ट, हाँ तो हमने भी तो यहाँ एड्रेस विधि से ही डाला, हमारा ऐसा क्या मतलब क्या है आपको 4 6 4 0 1 है ना, तो आप तो विदिशा जिला हो गए पता नहीं, विदिशा का पिन कोड तो यही है 4 6 4 0 1, रायसेन से अलग है हमें ये पता, रायसेन से अलग है सांची से अलग है लेकिन विदिशा का तो यही है 4 6 4 0 1, पता नहीं आप कौन से जिले में आते हैं।
पूछ नहीं, वैसे हमें जहां तक पता विदिशा का पिन कोड तो यही है, अब हम पूछ के बताएंगे सर से, हमें नहीं पता क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हर जिले का पिन कोड अलग रहता है, तो रायसेन का अलग है विदिशा का, ऐसा तो हम पहली बार सुन रहे हैं, हमें नहीं पता। नहीं अब आप बोल रहे हैं तो हम पहली बार सुन रहे हैं, हम सर से पूछ के बताएंगे क्योंकि हमने जहां तक सुना विदिशा का पिन कोड हमें यही पता है 4 6 4 00 1। पता नहीं अब आप बोल रहे हैं तो हो सकते हैं बाकी हम सर से पूछ लेंगे। नहीं आपने जो यहाँ पे एड्रेस डाला एड्रेस के हिसाब से आप यहाँ पे पिन कोड डाल दें, फिर आप एंटर करेंगे, यहाँ पे आप डालेंगे मोबाइल नंबर, आप जिस स्टेशन बात कर रहे हैं उसका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, फिर आप एंटर करते हैं, यहाँ आप डालेंगे ईमेल आईडी, आपकी स्कूल की जो ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, अपन डाल देते हैं excellence@gmail.com। फिर आप एंटर करेंगे, फिर आप सिलेक्ट करते हैं करेंसी सिंबल, करेंसी सिंबल आपकी कंट्री के हिसाब से यहाँ पे आता है, आप इंडिया में बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे क्या आ रहा है आरएस, इंडिया में क्या चलता रहता है, अभी अगर आप यहाँ पे पेज चाहते हैं कंट्री आप यहाँ पे चेंज कर देंगे, जैसे आपने यूके सेलेक्ट किया जैसे ही आप एंटर करेंगे देखिए करेंसी सिंबल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, करेंसी सिंबल आता है कंट्री के हिसाब से, आप यहाँ पे मलेशिया सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आरएम आ जाएगा, करेंसी सिंबल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अपन ने कंट्री सिलेक्ट की इंडिया तो यहाँ पे क्या आ रहा है आरएस। फिर आप एंटर करते हैं, फिर आपसे हम पूछ रहे हैं मेंटेन, आप मेंटेन क्या कर रहे हैं, अकाउंट ओनली अकाउंट विद इन्वेंट्री, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, अकाउंट ओनली का मतलब होता है कैश का लेन देन, ऐसा बिजनेस जिसमें आप सिर्फ कैश का लेन देन करते हैं तब आप सिलेक्ट करते हैं अकाउंट ओनली, अकाउंट विद इन्वेंट्री का मतलब होता है जहाँ आप कैश के साथ इन्वेंट्री मतलब माल का भी लेन देन करते हैं, अभी अपन पढ़ रहे नॉन बिजनेस वाली जिसमें आप हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज में वर्क करते हैं, इसमें क्या होता है सिर्फ कैश का लेन देन होता है, कैश आता है और कैश जाता है, और अकाउंट विथ इन्वेंट्री होती है बिजनेस वाली जब अपन किसी फैक्ट्री में शोरूम में वर्क करते हैं, वहाँ क्या होता है कैश और माल दोनों का लेन देन होता है, तो वहाँ आप सिलेक्ट करते हैं अकाउंट विथ इन्वेंट्री, अभी अपन कौन सी कंपनी बात कर रहे हैं। हाँ तो अब वो डिपेंड, हाँ अगर आप कंपनी बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ अकाउंट विथ इन्वेंट्री आई, क्योंकि जहाँ माल और कैश दोनों का लेन देन हो रहा है वहाँ सिलेक्ट होता है अकाउंट विथ इन्वेंट्री, और अकाउंट ओनली मतलब है सिर्फ कैश का लेन देन, जहाँ कैश आ रहा है और कैश जा रहा है वहाँ आप सिलेक्ट करते हैं अकाउंट ओनली, लेकिन जहाँ कैश के साथ माल का लेन देन भी होता है इन्वेंट्री भी एड हो जाती है वहाँ आप सिलेक्ट करते हैं अकाउंट विथ इन्वेंट्री, अभी अपन स्टोर में बात कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे अकाउंट ओनली क्योंकि स्टोर में सिर्फ कैश का लेन देन होता है माल का कोई लेन देन नहीं होता, ठीक है। फिर आप डालेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल रहता है, आप यहाँ डालेंगे 1 अप्रैल, एंटर करेंगे बुक बिगनिंग, बुक बिगनिंग में आप सेम डेट पे डाल सकते हैं जो आपने फाइनेंशियल ईयर में डाली, बुक बिगनिंग मतलब होता है जिस दिन आपकी बुक ओपन हो रही है, यहाँ पे आप वो डेट भी डाल सकते हैं जिस दिन आपने अपना स्टॉल स्टार्ट किया है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस दिन अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसी दिन अपनी बुक ओपन हो जाती है, और आप बोलेंगे जिस दिन हमने स्टॉल स्टार्ट किया है हाँ कि हिसाब से आपकी बुक उस दिन से ओपन हो रही है, आप यहाँ पे वो डेट भी डाल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस दिन से स्टॉल स्टार्ट होगा अपना लेन देन तो उसी दिन से स्टार्ट होगा, आप यहाँ पे वो डेट भी डाल सकते हैं, एंटर करेंगे, फिर आपसे पूछ रहा है टैली वॉल्ट पासवर्ड, क्या आप टैली का पासवर्ड देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देंगे, आपने डाला 123, एंटर करेंगे वही पासवर्ड आप यहाँ पे रिपीट करेंगे, अगर आप पासवर्ड नहीं डालेंगे जैसे अपन ने यहाँ पे पासवर्ड हटा दिया तो आप यहाँ पासवर्ड डालेंगे फिर एंटर करेंगे तब आपको वो पासवर्ड रिपीट का ऑप्शन देगा, आप वही पासवर्ड यहाँ पे रिपीट कर देंगे, एंटर करेंगे, फिर आपसे पूछ रहे हैं यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, क्या आप इसमें सिक्योरिटी कंट्रोल पास यस सर से एंटर करेंगे, आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, अगर आप इसे नो कर देते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगी, अब आप देखिए आपने इसमें टैली वॉल्ट पासवर्ड दिया, अगर आप टैली वॉल्ट पासवर्ड देते हैं फिर जब आप अपनी कंपनी सिलेक्ट करेंगे तो आपकी कंपनी आपको कंपनी के नाम से शो नहीं होगी, नाम तो इससे यही रहेगा लेकिन फिर वो आपको नाम से शो नहीं होगी, वहां पे एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बना हुआ आएगा,
अगर आप दोनों पासवर्ड दे रहे हैं तब भी अपने वॉल्ट